पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव की मांग पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खतौरा हॉस्पिटल को दी बड़ी सौगात। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खतौरा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी सौगात दी है। कोलारस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से कोलारस विधानसभा क्षेत्र के खतौरा हॉस्पिटल में 1,40,00,000 की लागत 10 बेड का नवीन वार्ड, डॉक्टर और नर्स के लिए आवासीय भवन के साथ अस्पताल की बाउंड्री वॉल की स्वीकृति प्रदान की गई है। महेंद्र सिंह यादव ने बताया उन्होंने खतौरा हॉस्पिटल में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को केवल एक पत्र लिखा था। खतौरा हॉस्पिटल में इन सुविधाओं को मिलने पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का आभार जताया है। आपके द्वारा खतौरा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कई सुविधाएं आज जारी की, आपके द्वारा पत्र लिखा गया था, किस तरीके की सुविधाएं और क्या क्या सुविधाएं अब खतौरा स्वास्थ्य केंद्र में मिलेंगी? हम लोग काफ़ी 5-6 महीने से प्रयास कर रहे थे कि खतौरा स्वास्थ्य केंद्र को जो है एक 10 बेड का नया हॉल और 10 बेड की व्यवस्थाएँ मिल जाए, एक डॉक्टर के लिए रहने के लिए एक बढ़िया जो क्वार्टर, एक नर्स के रहने के लिए क्वार्टर और साथ में पूरे अस्पताल की बाउंड्री वॉल। तो इस सब के लिए हम सिंधिया जी से भी निवेदन किया था और मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी से ही मिले थे। अभी कुछ दिन पहले ही सिंधिया जी की कृपा से और मंत्री जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लिए खतौरा के लिए 1,40,00,000 रुपये स्वीकृत किए और उसका पत्र भी मैंने आपको दिया हुआ है और जल्द से जल्द उसका काम स्वस्थ भाव चालू करेगा। इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र की कितनी जनता को लगभग लाभान्वित होगी? निश्चित तौर से खतौरा क्षेत्र से काफ़ी लंबे 50 गांव लगे हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र से और ऐसे में कभी कभी डिलीवरी में और छोटी मोटी बीमारियों में उनको यहाँ तक भागना पड़ता है। डॉक्टर रहने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी, नर्सों के रहने के लिए अच्छी सुविधाएँ हो जाएंगी तो वहीं रुकेंगे, तो निश्चित ही रात में आने वाले मरीजों के लिए एक सुविधा होगी और मरीज ज़्यादा संख्या में भी होंगे तो अधिक बेड होंगे तो सुविधाएं निश्चित मिलेंगी।